नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित। तो देखेंगे कि आखिर किस संदर्भ में अभी चर्चा में है आर्टिकल, और दल बदल विरोध कानून से तात्पर्य क्या है आपका, क्या होता है दल बदल विरोध कानून, उस पर भी चर्चा करेंगे आप लोग। अयोग्यता संबंधी प्रावधान क्या है इसमें, उस पर भी हम लोग देखेंगे। दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर भी चर्चा करेंगे। दल बदल कानून के अपवाद क्या हैं और अपवाद के प्रभाव क्या हैं। फिर आपने सुना होगा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया, इसमें क्या हुआ उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आयोग घोषित करने की शक्ति क्या है उसे भी देखेंगे। और एक केस है आपका, ये भी पूछ लेता है कि हो तो होलोहन बनाम जा चिन्ह यू, इस केस क्या है इसे भी देखेंगे। प्रमुख चुनौतियां क्या है इसमें, और दल बदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क क्या देते हैं लोग, विपक्ष में तर्क क्या देते हैं, और इसमें आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देखेंगे। वैसे आप लोग इससे तो परिचित होंगे कि हमारी जनता, हमारे देश की जनता बहुत सीधी सादी है, बहुत भोली है, और इसे किसी भी दिशा में आराम से मोड़ा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी कुछ इनके बारे में बोल दीजिए दो चार शब्द, आपकी भी मुरीद हो जाएगी ये जनता। और आपको पता होगा कि आज से कई साल पहले आपके यहाँ घर में ताला नहीं लगाया जाता था, आपने देखा होगा, लेकिन आपने ताला लगाना शुरू किया, चोरों ने और तगड़े से चोरी करना शुरू की। तो पहले के नेता हमारे ईमानदार हुआ करते थे, तो उनके लिए इस तरह के दल बदल विरोधी कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही चोर मतलब आए, आपने ताला लगाना शुरू किया, उन्होंने उसका भी ऑप्शन निकाल लिया। तो इसी तरह नेताओं को जो दलब आया गया राम जैसी स्थिति थी कि आपने सुबह दूसरी पार्टी को थामा, शाम को दूसरी पार्टी, और दूसरे सुबह रात में को एक दो पार्टी बदल ली। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इस कानून को लाया गया, लेकिन फिर भी बदलते रहते हैं, दल बदल होता रहता है, फिर भी देखते हैं हम लोग। तो अभी हाल ही में मणिपुर में सत्ताधारी गठबंधन सरकार गहरे राजनीतिक संकट में फंस गई हुई है, एनडीए की बात की जा रही है। इस राजनीतिक संकट के साथ ही दल बदल विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित एक सदस्य को आयोग करा दिया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ राजनीतिक पटल के विमर्श के केंद्र में आ गया। इससे पहले आपने एमपी भी देखा है, एमपी में भी ये हालत देखी थी। चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल बदल विरोधी कानून में बदलाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने चुनावी दलों के समक्ष दल बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, और संभव है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में भी देखने को मिले। मणिपुर में दल बदल की यह राजनीति अनोखी नहीं है, इससे पूर्व आपने कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य भी दल बदल विरोधी कानून के प्रत्यक्षी दर्शी रह चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कमलनाथ पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद सिंधिया बीजेपी में मिल गए, उसके बाद वो सरकार गिर गई, फिर आपके शिवराज सिंह दोबारा मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम दल बदल विरोधी कानून से तात्पर्य क्या है आपका। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान में 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आपको यह याद रखना है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 1985 में, ये आपके 52वें संविधान यानी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। इसी में आपका दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना था, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी विचलित थी। बात करते हैं अयोग्यता संबंधी इसमें प्रावधान क्या है।
एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। 6 महीने के पहले ये शामिल हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर कोई मनोनीत सदस्य, आपने देखा होगा विधानसभा में भी आपका मनोनीत एक सदस्य चुना जाता है, लोकसभा में आपके 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे और अभी उस 2 बार से उन्हें भरा नहीं गया, और आपके राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो यही है आपके, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफी अहम भूमिका अदा करते हैं और सिद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हालांकि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के भीतर यह महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगीं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जैसे आपको, आप चुनाव में खड़े तो आपको वोट किसने दिया? जनता ने। और आप बीजेपी के नाम पर दिया या फिर आपको कांग्रेस के नाम पर दिया, और आप क्या करें कि उसमें कुछ दिन बाद आप लोग कांग्रेस के हैं तो या बीजेपी का हाथ थाम लेते हैं या फिर किसी अन्य पार्टी का हाथ थाम लेते हैं। तो ये तो जनता के साथ विश्वासघात है ना, कि जनता ने तो आपको बीजेपी के लिए चुना था लेकिन आप कांग्रेस में मिल जाते हैं, तो ये तो उस जनता का अपमान हुआ ना। 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफी पिछले हो चली थी। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने 15 दिनों के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला खड़ा कर दिया। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। अंततः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाए गए। आपने देखा जैसे एमपी के जितने भी विधायक हैं आपके 22-23 के करीब, तो इन्हों सभी को आप लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, फिर वो दोबारा चुनाव में जाएंगे बीजेपी की तरफ से और लगभग कोई जीत जाएगा जैसा भी हो जनता। लेकिन मेरा मानना ऐसा होना चाहिए था कि इन्हें दोबारा जिंदगी में चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, तब समझ में शायद हो सकता था कि समझ में आता है ना। दल बदल कानून के अपवाद की बात करें हम लोग, तो कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल का पर्वी अयोग्य घोषित नहीं किया जा सके। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई, वासरते कि उसमें कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। यानी कि सीधा सा कहा जा रहा है कि 30 विधायक हैं आपके यहाँ, तो इनमें से 2/3 सदस्यों को अगर एक पक्ष में हो, वो किसी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके ऊपर एक कानून लागू नहीं होगा। ऐसे में ना तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा, ना ही राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट भी प्राप्त है, ठीक है। अब बात करते हैं अपवाद के प्रभाव। दल बदल विरोधी कानून एक उच्च सुधार था, लेकिन इसके अपवादों ने इस कानून की मारक क्षमता को कम कर दिया। जो दल बदल पहले एकल होता था, अब सामूहिक तौर पर होने लगा है। वर्ष 2003 को संसद को 91वां संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसमें व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार दिया गया। इसे भी देख लीजिए, 91वां संविधान संशोधन आखिर है क्या? ये 2003 में हुआ। इस संशोधन के तहत मंत्रिमंडल का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया, यानी कि आपके 100 सदस्य हैं तो उसमें से 15% सदस्य ही मंत्री बन पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्य की संख्या 12 से कम नहीं होगी
और 12 सदस्यों से कम नहीं होंगे किसी भी, ठीक है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते थे। कितने? 1/3। आयोग घोषित करने की शक्ति की बात करें हम लोग, तो कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को आयोग करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है। जैसे विधानसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, समझ रहे हैं, इन्हीं की बात की जा रही है। एक केस आपका ये भी चर्चा में रहता है कि वो तो होलोहन बनाम जा चिलियू, इससे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके। वर्ष 1993 की कि हो तो होलन बनाम जा चिल्हू, बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा, विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते हैं, साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह के से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय दुर्भावना, दुराग्रह, संविधानिक जनादेश और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध पाए जाने की स्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। प्रमुख चुनौतियों की बात करें इस क्षेत्र में, प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं आपकी? प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना के खिलाफ दल बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले दल बदल पर रोक लगाकर एक स्थिर सरकार प्रदान की जाए। हालांकि यह कानून विधानमंडल सदस्यों को उनके मतदाताओं के हितों के अनुरूप स्वविवेक के आधार पर मतदान करने से प्रतिबंधित करता है। फिर यह सरकार पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करना, दल बदल विरोधी कानून सरकार पर विधायिका के नियंत्रण को कमजोर करता है, क्योंकि यह विधानमंडल सदस्यों को राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर मतदान करने के लिए बाध्य करता है। दल बदल विरोधी कानून वास्तव में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पृथककरण को कम करता है, कार्यपालिका के हाथों में शक्ति को केंद्रित करता है। फिर सदन के पीठासीन अधिकारी की भूमिका, दल बदल विरोधी कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की शक्ति है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिसकी बात की जा रही। हालांकि ऐसे कई उदाहरण हैं जब पीठासीन अधिकारी सत्ताधारी राजनीतिक दल के निहित स्वार्थों की पूर्ति करने वाले अभिकर्ता की भूमिका निभाने लगते। अब इसके दल बदल विरोधी कानून के पक्ष में तर्क क्या क्या दिए जाते हैं उसे भी देख लीजिए। दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोक कर सरकार की स्थिरता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्ष 1985 से पूर्व कई बार यह देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे, जिसके कारण जल्दी सरकार गिरने की संभावना बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी एमपी ने, यानी कि कमलनाथ जो योजनाएं बना रहे होंगे, अब बीजेपी आई तो आप समझ सकते हैं कि उसने पूरी खारिज कर दी गई होंगी, क्योंकि आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार बदलती रहती है तो वो कई नाम भी बदलते रहते हैं योजनाओं के। जैसे आपका कांग्रेस के समय में इंदिरा गांधी के नाम पर रख दिया किसी का, तो बीजेपी में आएंगे तो प्रणव मुखर्जी को, या फिर आपने सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रख देंगे, क्योंकि बीजेपी में वो अच्छे वाले नेता रहे हैं, उन्हीं की विचारधारा पर बीजेपी आपकी चलती है। तो इस तरह के बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलोपता के कारण ही जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने और अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद की है। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभावकारिता में वृद्धि की है।
और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है। ये तो आपके पक्ष में तर्क थे, अब विपक्ष वालों की सुन लीजिए, विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जा सकता। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि इसके कारण अंतरदलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि एक दल ने कहा कि इस पक्ष में वोट देना है, उसमें कोई भी सदस्य उसका उसके खिलाफ नहीं जा सकता है, वरना उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जो सदस्य होता है वो विवश होता है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का ही नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। कई विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं तो भी उसी पार्टी में बने रह सकते हैं। ठीक है, एक बात आप लोग हमें सब समझिए, अब आप सदस्य हैं, विधानसभा के हैं, फिर लोकसभा के, किसी भी कहीं से भी आप चुने जाते हैं, आपसे कह जाएगा कि आपको इस पक्ष में वोट देना है, यानी कि वो फिर चाहे कोई भी मुद्दा संविधान को अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप विवश हैं उस पर वोट देने के लिए, आप अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, आगे की राय क्या हो सकती है इसमें, उसे भी देख लीजिए। दल बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इसी कानून ने देश में आयाराम गयाराम की राजनीति को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालांकि विगत कुछ वर्षों से देश की राजनीति में इस कानून के अस्तित्व पर कई बार चुनौतियां दी जा चुकी हैं। इसलिए दी जा चुकी हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि कई इतने पाबंद लगाने के बाद भी नेता कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन कर उसके उल्लंघन पर आयोग्यता की अवधि को 6 साल या उससे अधिक किया जाना चाहिए ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर बना रहे। दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की जरूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो। 170वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने तर्क देते हुए अंतरदलीय लोकतंत्र का महत्व को रेखांकित किया। एक राजनीतिक पार्टी आंतरिक रूप से अपने कामकाज में तानाशाही और लोकतंत्र को लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, पता है, जैसे कोई आपने देखा होगा कि जनता की यहाँ कोई मायना नहीं है जनता की इच्छाओं का, क्योंकि आपको चुना है और चुनने के बाद जनता का काम खत्म, आप किसी से मिल जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले सकते हैं, आप लोग महाराष्ट्र में देखिए, बीजेपी और शिवसेना एक थी, ठीक है, जनता ने किसे बहुमत दिया, दोनों को मिलकर। अब समझिए आप लोग, शिवसेना जाके कांग्रेस एनसीपी में मिल चुकी है, तो जनता आप सोचिए उनकी भक्त थी, मतलब राम मुद्दे पर वोट दे रही है, वो जाकर अगर मिल जाए तो शायद जनता का यहाँ मत का कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जनता ने तो आपको बीजेपी के साथ चुना था ना और बहुमत भी दिया है, और आप जाके मिल जा रहे दूसरी पार्टी में। उनकी छोड़िए, कई जगह आप देखते हैं कि आपका विधायक है, आपने उसे वोट दिया, इसलिए दिया क्योंकि आपको पसंद था, वो पार्टी जिसमें वो है वो पसंद थी, लेकिन वो जाकर दूसरी पार्टी में मिल जाता है, या आपकी वोट की कीमत क्या रही, कुछ नहीं, और दोबारा वो लड़ेगा चुनाव, आप उसे भी दोबारा दे देंगे। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, हमारे देश की जनता बहुत भोली है बेचारी, उसे कोई भी थमाइए। अभी मैं कल ही की तो बात है, आपके बाबा रामदेव साहब कोरोना की वैक्सीन ले आए,
उन्होंने मीडिया में आकर बात कर दी। मीडिया को देखिए, मीडिया ने तुरंत ऐलान कर दिया, उन्हें तो एड मिल रहा है, सोचते अच्छा पैसा कमा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें, कोई नहीं। अब जब तक WHO उससे संतुष्ट ना कर दे, आप लोग किसी भी वैक्सीन का यूज ना करें, ठीक है। अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का।